Good morning friend, my name is Abhijit Tiwari and today we are going to learn advanced English structure part number 10. तो हमारा जो part number 10 है वो क्या है? While. While means करते करते. जब हम किसी काम को करने के दौरान कोई एक काम कर रहे हैं और उसी दौरान हम दूसरे काम को भी करते हैं उस जगह हम क्या यूज करते हैं? While. जैसे पढ़ते पढ़ते मैं टीवी देखता हूँ, मतलब पढ़ तो रहा हूँ, एक तरफ मैं पढ़ने का भी काम कर रहा हूँ और दूसरी तरफ टीवी देखने का भी, ठीक. तो क्या, पढ़ते पढ़ते मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक. तो एक तरफ मैं पढ़ने का भी काम कर रहा हूँ और दूसरी तरफ टीवी देखने का भी काम कर रहा हूँ, ठीक. तो क्या होगा, वाइल वाइल रीडिंग, ठीक. पढ़ते पढ़ते वाइल रीडिंग आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक, मैं टीवी देख रहा हूँ. तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा होगा वाइल प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक. जो भी करते करते, जैसे पढ़ते पढ़ते तो रीडिंग, ठीक, देखते देखते तो वॉचिंग, ठीक, खेलते खेलते तो प्लेइंग, जो भी होगा उसकी आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वो सेंटेंस जो हम करेंगे, मतलब साथ में पहले वाले काम के होने के साथ साथ जो हम दूसरा काम करेंगे उसके लिए हम सेंटेंस लिखेंगे, ठीक. तो हमारा सेंटेंस क्या है देख लेते हैं. अपना पहला सेंटेंस हमारा, While reading newspaper, I slept. ठीक, While reading newspaper, I slept. Newspaper पढ़ते पढ़ते, newspaper पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, ठीक. I slept. तो मैं सो गया, तो I slept यहाँ पे past indefinite मैं सो गया. और while reading newspaper मतलब newspaper पढ़ते पढ़ते, तो read की ing form reading, ठीक. अगला sentence हमारा क्या, While listening song, Rinky cooks फूड, ठीक. गाना सुनते सुनते, ठीक, रिंकी गाना सुनते सुनते खाना बनाती है. रिंकी कुक्स फूड, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक. जो लास्ट का सेंटेंस है रिंकी किक्स फूड, ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक. यहाँ पे वाइल लिसनिंग क्या, सॉन्ग सुनते सुनते, मतलब गाना सुनते सुनते रिंकी खाना पकाती है. अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वाइल सिटिंग, बैठे बैठे आई मून ओवर समवेयर, मैं कहीं खो जाता हूँ, ठीक. वाइल सिटिंग मतलब बैठे बैठे मैं किसी ख्यालों में खो जाता हूँ, कोई मुझे याद आने लगता है, ठीक. जब भी अकेले में बैठता हूँ तो मुझे कोई याद आने लगता है और मैं उसी ख्यालों में खो जाता हूँ. तो क्या, कैसे बोलेंगे, वाइल सिटिंग आई मून ओवर समवेयर. मून ओवर समवेयर मतलब क्या होता है, कहीं खो जाना, ठीक, ख्यालों में. अगला क्या है, अगला है वाइल ईटिंग राहुल डेड, खाते खाते राहुल मर गया, या राहुल खाते खाते मर गया, मतलब इतना खा रहा था, इतना खा रहा था कि उसका पेट फट गया और मर गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया. तो यहाँ पर भी क्या है, ईटिंग, ठीक, खाना, ईट, उसका आईएनजी फॉर्म राहुल डेड, क्यों, राहुल मर गया, पास्ट इंडेफिनिट, या राहुल खाते खाते मर जाएगा, वाइल ईटिंग राहुल विल बी डाई, ठीक. तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.